दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फेलर स्टडी बंत्र टीप चैनल पे दोस्तों यूपी ट्रिपल ट्रिप्ल्स सी की जो भर्तियां हैं उनमें इतनी देरी क्यों देखने को मिलती है आपको पहले भी मैंने बताया था कि क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी के पास जितना रिक्वायर्ड स्टाफ होना चाहिए वो है ही नहीं इसीलिए इन भर्तियों में इतनी देरी देखने को मिलती है जो भर्ती एक साल में पूरी हो जानी चाहिए वो भर्ती पाँच पाँच साल लगा लेती हैं भर्ती पूरी होने में ये बड़ी ब्रम्बना की बात है कि पाँच पाँच छः छः साल लग रही हैं लेकिन भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही इसी क्रम में दो तीन भर्तियाँ आपकी अटकी पड़ी हैं आपको मालूम है एक तो जेई दो का बहुत बार लोगों ने प्रयास कर लिया बहुत बार धरना दे लिया ट्विटर कैंपेनिंग कर ली लेकिन यूपी टब्ल एस के कान पर जुए नहीं रेंगते कोई मतलब नहीं और मैं बता दूँ इसकी इस जे जेई दो का 2023 जुलाई में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सम्पन्न पूरा हो गया था अब लगा लो ये तुम्हारा अब महीना चल रहा है तुम्हारा मई का अब जून भी आ जाएगा तो जून में लगभग इसकी जो सुगवाहट है कि 15 जून तक इसका रिजल्ट दे, दे देंगे तो जब से तुम्हारा डीवी कराया उससे एक साल कंप्लीट होने जा रहा है उसके बाद ये रिजल्ट दे रहे हैं लगाओ अंदाज कि ये कितना मतलब धीमे काम करते हैं ये लोग दूसरी भर्ती है आपकी और इसमें पद बहुत ज़्यादा नहीं है चौदह सौ समथिंग पद हैं जो जेई दो अठारह की भर्ती है इस अठारह और चौबीस छः साल हो गए लगभग लगा दो खुदअंदाज शादी हो दूसरी भर्ती आपकी ए की है दो की भर्ती है नौ पद हैं इसमें नौ या छः पद हैं आई थिंक तो इस भर्ती को भी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुम्हारे जेई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हुआ था अब लगाओ अंदाज़ इस भर्ती का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे पहले हुआ था लेकिन क्या करते हैं ये लोग मैंने बताऊंगा लास्ट में ये करते यही हैं कि सेकंड थर्ड लिस्ट के नाम पर ये अटकाते रहते हैं भर्तियों को आगे बढ़ाते रहते हैं इसका भी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया दो का इसको भी लगभग फाँस वर्ष हो गए पंचवर्षीय योजना तो हर भर्ती में बननी बननी है खिचड़ी बना के रखती है इस लोगों ने तीसरी भर्ती है आपकी मंडी इंस्पेक्टर दो की भर्ती है इसमें बहुत ज़्यादा पद नहीं है बहुत कम मामूली सी पद हैं इस भर्ती का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत समय हो गया होते हुए और इस भर्ती में भी जो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट के नाम पर इन लोगों ने ड्रामा किया तो तीनों भर्तियां पाँच से लेकर छः वर्ष हो गई दो हज़ार की भर्तियाँ हैं अब कहीं जाके बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रयास किया है बहुत ज़्यादा लोगों ने कैंपेनिंग की है तो कहीं जाके इन लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है और ये खुशखबरी 15 जून तक मिल सकती है हाँ हो सकता है कि एक आध रिजल्ट इसमें फिर भी अटक जाए कम से कम रिजल्ट हैं तीनों रिजल्ट पंद्रह जून तक आने चाहिए और एक रिजल्ट अगर नहीं आया तो जून के लास्ट तक आ ही जाएगा तो दो रिजल्ट तो निश्चित तौर के मान के चलिए एक तो तुम्हारा जेई का रिजल्ट और एक तुम्हारा तुम्हारा बी एसओ का रिजल्ट ये तुम्हारे पंद्रह जून तक आ जाएंगे अगर मंडी का रिजल्ट बचता भी है तो जून में आ ही जाएगा लेकिन इतनी देरी होती है इन रिजल्टों में इसका कोई जवाब नहीं है तो आप दोस्तों अगर इन तीनों रिजल्टों में से किसी रिलेटेड हो तो आपके लिए खुशखबरी है कि ये रिजल्ट यूपी ट्रप्ल सी काम कर चुका है वैसे तो अब थोड़ा बहुत काम कर बचा होगा तो कर देगा तुरंत ही लेकिन 15 जून तक ये रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे जिन जितने भी लोग इन भर्तियों से संबंधित हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है लेकिन आप अपना प्रयास इस खबर को सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि ये फाइनल है अपना प्रयास कभी भी कम मत करना क्योंकि यूपी पी टी प्लस सी की भर्तियां हैं हम समझते हैं जब तक प्रयास कम कर दोगे फिर वो ढील ढील कर देता है तो अपना प्रयास करते रहिए जो ट्विटर कैंपेनिंग है या तुम्हारा वहाँ पर जाके मिलना है तुम्हारा यूपी प्लस सी सचिव से तो वो सब चीज़ करते रहिए और लगभग ये पंद्रह जून के समथिंग में दो चार दिन आगे पीछे हो सकता है आपका रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे ठीक है दोस्तों और ये इन्फॉर्मेशन थी अगर इफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो चैनल सब्सक्राइब कर लो धन्यवाद